सत श्रीकाल जी सारे, मेरा नाम जसविंदर सिंह है और स्वागत है आपका 99 ब्रिक्स रियल एस्टेट चैनल पर। सो फ्रेंड्स, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम जो मेजर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गोवा की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप भी गोवा के अंदर प्लॉट और विलास के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोवा के अंदर लोधा ग्रुप अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसके अंदर वो प्लॉट्स और विलास के ऑप्शन लेकर आया है। यहाँ पे वो जो टाउनशिप लेकर आ रहे हैं वो 130 एकड़ की टाउनशिप होगी जिसकी जो लोकेशन रहेगी वो नॉर्थ गोवा रहेगी। तो यहाँ पे आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो प्लॉट्स के और विलास के ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्लॉट्स की यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 110 से स्टार्टिंग हो जाती है। प्रोजेक्ट जो है अभी सॉफ्ट बुकिंग के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का जो बेनिफिट है वो ये है कि यहाँ पे जो रेंटल इनकम है काफी हाई मिल जाती है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। प्री लॉन्च में आपको रेट्स भी काफी अच्छे मिल जाएंगे और जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होगा आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, और प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद जब आप इसको कंस्ट्रक्ट करके रेंट आउट करेंगे तो काफी अच्छा रेंटल भी जनरेट कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी जो प्रोजेक्ट है वो सॉफ्ट बुकिंग के अंदर है। इसके अंदर आपको 150 गज के प्लॉट की जो स्टार्टिंग मिल जाती है वो 99 लाख रुपीज से मिल जाती है। बट अगर अभी इनिशियल स्टेज पे अगर आप बुकिंग देते हैं और 45,000 रुपए का ईओआई आप ट्रांसफर करते हैं, 45,000 रुपए का अमाउंट अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आपको नाना करते हुए 15 लाख रुपए के आसपास का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। उस टाइम पे अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपको पेमेंट जो है 15 लाख रुपए कम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप लॉन्च के बाद करेंगे तो आपको यही प्लॉट 99 लाख रुपीज में ही मिलेगा। तो पहला एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा। दूसरा आपको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि 2 साल तक जब ये टाउनशिप डेवलप होगी आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं और 2 साल में पेमेंट कंप्लीट करके यहाँ पे कब्जा ले सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस पे कब्जा लेकर कुछ रेंट आउट के पर्पज से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप विला बना के या उसको फ्लोर बना के रेंट आउट करेंगे तो यहाँ पे रेंटल आपको काफी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि गोवा जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे छुट्टियां बिताने टाइम स्पेंड करने आते हैं। तो यहाँ पे जो रेंटल है काफी हायर निकल जाता है। आप सर्च भी कर सकते हैं ऑनलाइन जो बुकिंग प्लेटफॉर्म्स है, जो रेंटल जाता है वो पर डे का 3 BHK के विला का 13-14-15 हजार रुपए पर डे के आसपास जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना अच्छा रेंटल आपको मिल सकता है। और ये चीज आप खुद की प्रॉपर्टी को Airbnb और booking.com पे लिस्ट करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अच्छा रेंटल जनरेट कर सकते हैं। आप Airbnb और booking.com पे जाके सर्च भी कर सकते हैं कि क्या रेंटल आज फिट में चल रहा है, तो 2 साल बाद तो एप्रिशिएट ही होगा और रेंटल आपको बढ़ के ही मिलेगा। तो अगर आपको 10-12 हजार रुपए का पर डे का रेंटल मिल रहा है तो एक बहुत अच्छा रेंटल आपको मिल सकता है। 150 गज का प्लॉट आपको 99 लाख रुपीज में मिल रहा है, और अगर आप प्री बुकिंग में जाते तो 15 लाख रुपए का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कंस्ट्रक्ट करके आप इसको अच्छा रेंटल जनरेट कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं। गोवा के अंदर ऑलमोस्ट पूरे सीजन पूरा साल ही टूरिस्ट विजिट करते हैं, तो यहाँ पे जो है डाउनफॉल बहुत रियर रहता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि 12 महीने के अंदर से 2 महीने में अगर या 3 महीने हमारा जो स्पेस है वो खाली भी रही, 8 से 9 महीने भी रेंट आउट रही, तब भी हम एवरेज आउट करें तो बहुत अच्छा रेंटल निकल जाता है। जो रेंटल की वैल्यू जाएगी वो 12% से ऊपर चली जाएगी, 15-17% के आसपास की आपको रेंटल मिल जाएगा। तो अगर आप लोधा के इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मात्र 45,000 रुपए के अमाउंट से यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हैं, यूआई जनरेट कर सकते हैं। लॉन्च पे आपको यही प्रोजेक्ट के अंदर 15 लाख रुपए का डिस्काउंट और अपनी चॉइस की इन्वेंट्री मिल जाएगी। जैसा आप प्लॉट लेना चाहेंगे, जैसी लोकेशन लेना चाहेंगे, उसके अंदर भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप पसंद करके प्लॉट ले पाएंगे। बट अगर आप लॉन्च के बाद एंट्री करेंगे तो आपको जो प्लॉट है वो डिस्काउंट से बिना मिलेगा, 99 लाख रुपीज में ही मिलेगा। तो किसी तरह की भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। लोधा जो ग्रुप है वो इंडिया के ए क्लास डेवलपर्स में आता है, काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स और काफी अच्छी एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर में भी ये आपको प्लॉट्स और विलास के ऑप्शन दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये आपको काफी सारी लग्जरी एमिनिटीज भी देंगे जिसके अंदर 5-स्टार होटल्स भी होंगे, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, कवर्ड सोसाइटी, काफी सारी एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उसका ब्रोशर्स और डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। तो किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। दिल्ली NCR और गोवा की प्रॉपर्टीज की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको रेगुलर बेसिस पे नए प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लोधा ग्रुप का ये जो प्रोजेक्ट है इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट्स मिलती रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी।